तो फ्रेंड आप सभी अगर बरसात के दिन में साग सब्जी ला करके डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड ऐसे डायरेक्ट साग सब्जी लाकर फ्रिज में ना रखा करें देखिए मैं लेकर के अभी सब्जी आई थी तो ये पुदीने में से निकला है फ्रेंड जो साग वाले सब्जी पदादार होती है उसमें आजकल बारिश का मौसम है तो घुस जाते हैं घुस कर बैठ जाते हैं पता नहीं मुझे तो सांप का कोवा जैसा लग रहा है आप बताइए गई है क्या तो ये धनिया पुदीना मैं यहाँ पर अभी साफ़ कर रही थी मैं लेकर के आई थी तो पहले सबसे पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ उसके बाद ही मैं धो लेती हूँ सब्जी साग जो भी रहता है धोने के बाद ही मैं फ्रिज में रखती हूँ ऐसे नहीं रखती हूँ मैं कोई सा भी सब्जी हम लोग कोरोना के टाइम से आदत लग गया है फ्रेंड बिना धोए हुए साग सब्जी चाहे दूध का पैकेट ही क्यों ना हो सारे चीज़ धो लेती हूँ उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ तो ये यहाँ पर देख सकते हैं क्या है आप जरूर बताइएगा इसे मैं तो नहीं पहचान पा रही मुझे तो लग रहा है सांप का एक कोवा ही है तो पुदीने में से निकला है फ्रेंड पुदीने को मैं सारा छाट ऐसे मैंने पुदीना के बाद में मैंने फेंक दिया तो रखी थी रखने के लिए बट मैंने फेंक दिया था सब्जी वगैरह कुछ लेकर के आई थी सब्जी में से नहीं निकला था मैं झूठ नहीं बताऊंगी पुदीने के पत्ते से निकली थी तो मैंने पुदीने सारा फेंक दी हूँ बहुत लोग की आदत होती है कि फ्रिज में दही हो गया चाहे दूध हो गया कुछ भी खाने की सब्जी वगैरह हो गया तो खुला भी रखते हैं तो आप खुला नहीं रखिए सब्जी से निकल करके आपके दूध दही में अगर गिर जाए और बिना देखे अगर दूध पी लें या बच्चे कहीं दे दें तो कितना खतरनाक हो सकता है फ्रेंड तो यही रीजन था आप लोगों के साथ मेरा ये वीडियो शेयर करने का तो आप सब देख सकते हैं क्या निकला है अब जरूर बताएगा है क्या ये